पूरी विधानसभा के दौरे पर पहुंचे सिंधिया बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं में भरा जोश। सिंधिया ने कहा, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने लोगों के साथ किया खिलवाड़। शिवपुरी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया बैराड़ और पोहरी कस्बे में आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। यहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए चुनाव में जी जान से जुट जाने का आह्वान किया। बयान आया था शिवपुरी विधानसभा को लेकर कि हमने केपी सिंह जी को इसलिए लाए कि वह सिंधिया जी चुनाव लड़ने वाले। देखिए, अब मैं दिग्विजय सिंह अब ऐसी चर्चा है कि केपी सिंह जी वहाँ फंस गए। अब दिग्विजय सिंह जी को मैं कैसे मदद कर पाऊँ? जब मैं कांग्रेस में था तब भी मेरे बारे में ही सोचते थे, अब मैं बीजेपी में हूँ तब भी मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, तो अब मैं उनको मदद नहीं कर सकता। कुल मिला के लेकिन जरूर जिस तरीके से स्वयं दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने ऐसे व्यक्तियों के साथ खिलवाड़ किया है जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया, ये ना उनको शोभा देती है ना कांग्रेस पार्टी को शोभा देती है। और जिस तरीके से एक एक मानव के साथ खेल खेला है दोनों ने मिलकर, इसका जवाब भी जनता उन दोनों को जरूर देगी।